स्वागत है आप सभी का पीएचडी क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं वो कैप को, ठीक है। इससे पहले भी जो है पीएचडी क्लास में लगभग जो है 50 वीडियोस जो है अपलोड हैं, आप जाके वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। टेक्निक के साथ ही हैं, ठीक है, उसी में हम आगे बढ़ाने आए हैं। तो सबसे पहले वर्ड है, क्या वर्ड है बच्चों? सेवन का मतलब क्या होता है? सेवन का मतलब क्या? देखो पहले तो याद करने की टेक्निक समझना बच्चों। सेवन से एक वर्ड है, आपने सुना होगा सावन। सावन मतलब एक राखी सावन का नाम तो सुना ही होगा, आया ना। तो ये क्या है, मैं इसे ऐसे टेक्निक कैसे बनाएंगे हम इसे समझेंगे कि सावन जो है वो काफी बुद्धिमान है, क्योंकि हमेशा कोई भी मुद्दा होगा वो हमेशा बोलती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि राखी सावन जो है कैसी है, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है, विद्वान है। तो सेवन का मतलब होता है बच्चों विद्वान या बुद्धिमान। तो आप इसे कह सकते हैं सेग, ये भी होता है, साथ में मास्टर किसी भी चीज में, ये भी इसका मीनिंग होता है, ठीक है। और इसका जो एंटोनियम्स है वो क्या हो सकता है बच्चों? एक बात बताओ, कोई आदमी बुद्धिमान है तो कोई बुद्धिमान नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? वो सिंपल है बिल्कुल, तो सिंपल हो सकता है, ठीक है, या ऑर्डिनरी हो सकता है, समझ में आया। तो सेवन से कैसे नाम याद, क्या कौन सा नाम याद करना है? राखी सावंत वो कैसी है? बुद्धिमान है, ठीक है। एंटोनियम सिंपल हो सकता है, ऑर्डिनरी हो सकता है, या सिनोनियम्स में आप सैग और मास्टर भी पढ़ सकते हैं। बस समझ में आ गई, ऐसी होता है। एफजी का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिए कैसे याद करना है। जैसे मैं बोलूं कि हम किसी को आप कब लगाते हैं, या तो हमसे छोटा है, छोटे में लगा देते हैं, वैसे मोस्टली हम जिससे जो बड़ा होता है हम उसमें आप लगाते हैं। आप बोलते हैं ना कि आप, ठीक है। और आप में हम जी लगा दें तो इसका मतलब ये कि वो वाकई हमसे कहीं ना कहीं बड़ा है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है हमसे। तो कहने का मतलब होता है एफजी का मतलब होता है कोई भी चीज ऊंचाई पे होना, कोई भी किसी उच्च स्तर पर होना, ठीक है। तो जैसे आपने सुना शिखर सुना होगा, ठीक है, पिनिकल, ठीक है। तो जो लोग ऊंचाई पे होते हैं, शिखर पे होते हैं, उसको हम एपजी बोलते हैं, ठीक है। जिनत भी सुना होगा आपने, ये सब क्या है? इसी के सिनोनियम्स है, ठीक है। एंटोनियम्स का मतलब क्या है? एंटोनियम्स का मतलब ये है कि जो ऊंचाई पे नहीं है। तो मतलब क्या है? जो बेस पे, ठीक है, तो बेस हो सकता है, और इसके अलावा नाडे एक वर्ड होता है, यूज होता है इसके लिए, नाडे। सुना होगा आपने, नहीं सुना तो काफी यूनिक वर्ड है, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना। तो अपजी मतलब आप जी बहुत ऊंचाई पे पहुंच गए हैं, ठीक है। तो पिनिकल या जीनित, और जो एंटोनियम्स हो सकता है वो क्या हो सकता है? जो ऊंचाई पे नहीं होगा तो बेस पे होगा, या नाटे, ठीक है। ऐसे रांची, इसका बताइए क्या हो सकता है? तो इससे एक जगह आपने सुनी होगी, रांची। रांची का नाम सुना होगा, जहां के एमएस धोनी है, नाम सुना होगा। तो एमएस धोनी क्या है कि बहुत ही अच्छे इंसान है। तो जब वो अच्छे इंसान है तो इसका मतलब वहां के लोग भी अच्छे इंसान ही होंगे। तो हम वहां पे इस वर्ड को कैसे याद करते हैं? देखिए ध्यान सुनिए, रांची का मतलब होता है कि रांची में सभी अच्छे इंसान है। तो कैसे इंसान नहीं है? घटिया इंसान नहीं है, अश्लील इंसान नहीं है, गंदे इंसान नहीं है। तो रांची में कैसे इंसान नहीं है? घटिया इंसान नहीं है। आपको पढ़ना है कि रांची मतलब वहां पे घटिया इंसान नहीं है, तो इसका मतलब होता है घटिया या अश्लील। तो आप कह सकते हैं, फिर भी सुना होगा आपने, ठीक है, फिर भी सुना होगा, बहुत ही घटिया मीनिंग आता है इसका। और इसके अलावा जब जो घटिया नहीं है तो मतलब कैसे होंगे? अच्छे भी हो सकते हैं, ऑनेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। स्क्वैलिड होता है, स्क्वैलिड मतलब घटिया होता है। और अच्छे में आप डिसेंट ले सकते हैं, डिसेंट सुना होगा, ठीक है। क्लीन सुनते हैं हम, तो कहने का मतलब होता है रांची मतलब वहां के लोग कैसे नहीं है? घटिया नहीं है, फिल्दी नहीं है, ठीक है, स्क्वैलिड नहीं है। तो सिनोनियम्स मतलब सिनोनियम्स ही है एक जैसे। और एंटोनियम्स में क्या हो सकता है? ऑनेस्ट हो सकता है, डिसेंट हो सकता है, क्लीन हो सकता है, ठीक है। तो कैजुअल, ये क्या होगा? सुना भी होगा आपने, काफी वर्ड आता है। कैजुअल से हम ऐसे समझते हैं, काजोल का नाम सुना होगा, ठीक है, अजय देवगन की वाइफ, ठीक है। हाँ, तो कैजुअल से क्या, क्योंकि बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा पैसा वैसा, तो लोग क्या है, चापलूसी करने लगते हैं, जो भी आदमी बड़ा होता है। तो कैजुअल का मतलब होता है कि किसी की चापलूसी करना, ठीक है। तो इसी में क्या होता है, जैसे फ्लैटर सुना होगा, ठीक है, फ्लैटर मतलब भी क्या होता है? चापलूसी होता है। लव सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है,
और जो चापलूसी करते हैं, जो चापलूसी नहीं करते हैं वो एंटोनियम्स में आ जाते हैं। और एंटोनियम्स में क्या आ सकता है, और जैसे आपने सुना होगा विपल, ठीक है, दुर्घटना या डिस्यूट, बात समझ में आ गई। देखिए याद कैसे करना है, ये मैंने बताया ना, खाली निमोनिक मेथड बोलते हैं कि वर्ड को कहानी बनाना है। वर्ड की जब कहानी बनाने आ जाएगी तो ऑटोमेटिक कोई भी वर्ड याद हो जाएगा। देखिए जैसे सेवेंथ, सावंत बुद्धिमान है, ठीक है, आपका जी आप जी ऊंचाई पर पहुंचने लगे, ठीक है, रांची घटिया लोग नहीं है वहां पे, उसके बाद कैजुअल, कैजुअल बड़ी है, पैसा है तो लोग चाकू से, मुझे लगता है उम्मीद है याद हो गया होगा, ठीक है। ऐसे कोविनेंट ध्यान से समझिए, कोवे आंट, कौवे एंड आंट सुना होगा ना, कौवे और आंट में क्या हुआ है, समझौता हो गया कि आंट ने बोला कि भाई ठीक है तू छत पे आके बैठ, ठीक है। तो कोविनेंट मतलब होता है कोविनेंट, कौवे आंट का क्या हो गया, समझौता हो गया, एग्रीमेंट, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट, बात समझ में आ गई। तो ये सब क्या है, सिनोनिम्स है। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है तो क्या होगा, रिफ्यूज, रिफ्यूजल आ सकता है, ठीक है, या डिसएग्रीमेंट, बात समझ में आ गई, ठीक है। एक होता है कैप्रीशियस, कैप्रीशियस मतलब देखिए ध्यान से समझिए, कैप, कैप होती है जो मैं लगा के, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी वीडियो में लगाई है कैप्रीशियस, कैप का प्राइस, कैप का प्राइस क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए जब विंटर आता है तो क्या होता है कि कम हो जाते हैं, जैसे समर आया, ठीक है, तो क्या हुआ इसके प्राइस बढ़ जाते हैं क्योंकि लोग ज्यादा लेने लगते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है इसका जो प्राइस है वो कैसा है, चेंजेबल है, कैसा है, चेंजेबल है, कभी सस्ते मिलते हैं कभी महंगे मिलते हैं, तो कैप प्राइस, कैप का प्राइस जो है कैसा है, चेंजेबल है, हमेशा बदलता है, जो चीज हमेशा बदलती है वो क्या होती है, कैप्रीशियस, तो क्या है, चेंजेबल है, ठीक है, चेंजेबल है, चेंजेबल नहीं है तो कैसे बच्चे, कांस्टेंट है या रिजोनेबल है, ठीक है, फिकल होता है चेंजेबल का मतलब, ठीक है, तो कैप्रीशियस मतलब चेंजेबल या फिकल, ठीक है, और चेंजेबल नहीं है तो कांस्टेंट है और क्या, रिजोनेबल है, बात समझ में आ गई होगी। डेवियस क्या होता है, देखो डेवियस, देवी, देवी, ठीक है, वैष्णो देवी सुना होगा, तो जब वैष्णो देवी जाते हैं तो वहां की जो उनकी चढ़ाई है वो कैसी, सीधी सीधी नहीं है, मतलब कैसी घुमावदार है, ठीक है ना, टेढ़ा मेढ़ा इधर से जाते हैं, तो इनडायरेक्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि घुमावदार है तो इनडायरेक्ट हो सकता है। और सिनोनिम्स में क्या, एंटोनिम्स में क्या आएगा, डायरेक्ट हो सकता है, बात समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है, और इनडायरेक्ट हो सकता है तो ठीक है, यहाँ पे ऑनेस्ट भी हो सकता है, ऑनेस्ट मतलब भी, ठीक है, और इनडायरेक्ट है, घुमावदार है, बात समझ में आ गई होगी, या आप इसे आर्टफुल भी बोल सकते हैं, आर्टफुल भी घुमावदार होता है, ठीक है। तो डेवियस मतलब सीधा साधा नहीं है, कैसा घूम घाम के, ठीक है। पेंसिव क्या होता है, पेंसिव, पेंसिल सुना होगा, अब इसे याद कैसे करना है, देखो पेन मतलब पेन, पेन लिया है शिव ने, शिव भोलेनाथ, तो पेन लेके शिव मतलब दुनिया का जो दुख है वो शिव लेते हैं, भगवान लेते हैं, वो कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल मग्न हो जाते हैं, मतलब चुपचाप बिल्कुल शांति से बैठ जाना है, योग जैसे योग करते हैं ना लोग, मेडिटेशन, बैठ के बिल्कुल शांत, ठीक है। तो पेंसिव मतलब होता है बिल्कुल चुप हो जाना, शांत हो जाना, कुछ सोचने लगना, थिंकिंग, ठीक है, या डीम, ये सब क्या होते हैं, जो पेंसिव होते हैं, ठीक है। और जब शांत नहीं है तो क्या होता है, चिल्लाना हो गया, ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं, वहां पे वर्ड यूज होता है, जैसे पेंडिमोनियम, पेंडिमोनियम क्या है, चिल्लाना है, ठीक है, तो ठीक है, तो जो शांत नहीं है आप उसे कह सकते हैं कि वो जो है अनकेयरिंग है, ध्यान नहीं देता, या आप कह सकते हैं नेग्लिजेंट, लापरवाह है, ठीक है। अब पेंडिमोनियम क्या है, पेंडिमोनियम मतलब भी होता है चिल्लाना, इसे याद कैसे करें, पहले तो इसे देखिए, पेंसिव मतलब थिंकिंग या डीम, और एंटोनियम क्या होगा, अनकेयरिंग या नेग्लिजेंट, ठीक है। और पेंडिमोनियम क्या होगा, पेंडिमोनियम मतलब पंडित और मुनि, आपको तो पता ही है पंडित आते हैं तो पंडित कैसे
तेज चिल्लाते हैं, ठीक है, मुनि लोग भी मिल जाए साथ में तो बच्चों जो माहौल होगा वो कैसा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा चिल्लाने वाला होगा, शोरगुल हो जाएगा। तो पेंडीमोनियम का मतलब होता है जहां पे माहौल कैसा हो, चिल्लाहट वाला हो, चिल्लाना होता है ना, तो शोर शराबा हो गया तो पेंडीमोनियम। तो आप यहाँ पे रक्तस होता है, रक्तस सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, या ठीक है, और इसके अलावा पेंडीमोनियम ये हो सकता है, इसका ऑपोजिट क्या होगा, शांति पेसिफिक या पीसफुल, ठीक है, बात समझ में आ गई, चलिए। और इसके अलावा आप चाहें तो इसका और भी वर्ड कैसे याद कर सकते हैं, जैसे आप ऐसे कहिए कि चिल्लाने में नॉइज यूज कर सकते हैं, नॉइज, ठीक है। तो पेंडीमोनियम का रक्स हो गया, नॉइज हो गया, और साथ में क्या है, एंटोनियम्स में क्या, शांति पेसिफिक यूज हो गया या पीसफुल यूज हो गया, ठीक है। तो देखिए याद कैसे कैसे होता है, फिर से देख लेते हैं, सावन राखी सावन कैसे बुद्धिमान है, आप जी कैसे ऊंचाइयों पर पहुंचने लगे, पिनकल जिन, ठीक है, रोची में घटिया लोग नहीं है, ठीक है, फिल्दी और घटिया, ठीक है, फिल्दी और स्पेलिड, कैजुअल पैसे वाले हैं तो लोग चापलूसी कहते हैं, तो चापलूसी मतलब फ्लैटर लग, ठीक है, कोविनेंट कोवि और आंट का क्या हो गया, समझौता हो गया, तो समझौता होना, कैप्रिशियस कैप का प्राइस कैसा है, हमेशा चेंज होता है, देवियस देवी वैष्णो देवी कैसी सड़क टेढ़ी मेढ़ी, पेंसिव पीन लेके शिव जो है कैसे हो गए, बिल्कुल शांत चित हो गए, ठीक है, पेंडीमोनियम पंडित मुनि मिले तो क्या हुआ, चिल्लाने लग गए, ठीक है। तो मुझे लगता है देखिए याद करने की टेक्निक होती है, और आप देखिए कि लगभग जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स, और 9 4 टोटल एक वर्ड में 5, तो 9 5 या 45 वर्ड्स जो है लगभग आपके 10 से 10 मिनट में आपके लगभग 45 मिनट वर्ड जो है ऑटोमेटिक याद हो गए, ठीक है। ऐसे ही है ट्रेन कुल क्या हो गया, अच्छा ट्रेन देखो कैसे पढ़ते हो, ट्रेन कुल मतलब कूली, ठीक है, अब बच्चों जैसे ही ट्रेन में क्या आया, कूली आया, ठीक है, तो क्या लोग कैसे हो गए, शांत हो गए, ठीक है, ट्रेन में कूली आते के साथ लोग कैसे हो गए, शांति का मैंने अभी आपको बताया, पेसिफिक भी होता है, कूल भी होता है, काम भी होता है, ये सब शांति का होता है। चिल्लाने का बच्चों पेंडीमोनियम है, ये पेंडीमोनियम, ठीक है, पेंडीमोनियम, और साथ में क्या है, चिल्लाने का भी मैंने बताया, नॉइस हो गया, रकेस हो गया, ये सब क्या है, वर्ड इसी के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। ऐसे बेलिकोज क्या होता है बच्चों, बिल्ली अगर क्लोज आ जाए, बिल्ली समझते हैं, कैट, बिल्ली, दो बिल्ली क्या है आपस में क्लोज आ जाए तो क्या होगा, झगड़ा चालू, तो बेलिकोज का मतलब होता है झगड़ा, लड़ाई, तो क्वेरलसम, ठीक है, फाइट बोलते हैं ना, या डिस्प्यूट, कोई वाद विवाद होता है, डिस्प्यूट कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कंटेस्ट, एक वर्ड यूज होता है कंटेस्ट, ठीक है, कंटेस्ट मतलब भी वाद विवाद होता है, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों अगर वाद विवाद नहीं है तो शांत है, शांत हो तो बच्चों कैसे है, पीसफुल, या वही कैसे कि कूल है, काम है, ठीक है, ये सब क्या है, बेलिकोज के एंटोनियम से। उम्मीद है बात समझ में आ गई। फेल देखो बोल के बताइए, वर्ड फेल मतलब फ्री में क्या अवेल, बात समझ में आ गई। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर ट्रेन में आप बिना टिकट के जाओगे हमेशा, तो बच्चों जो ट्रेन है उसका क्या होगा, क्या होगा भाई, वो जो है उसका जो बाकी जो एक्सपेंशन है उसका कैसे पैसा कैसे निकलेगा, तो इसका मतलब फेल का मतलब होता है कि वो अगर फ्री में रेल में जाओगे तो कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, बात समझ में आया। जब बच्चों पैसा नहीं निकलेगा तो हम लोगों में कुछ मतलब हम लोगों की गवर्नमेंट में कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जहां से पैसा नहीं आता तो वो फिर बेच देंगे, ठीक है, तो जगह बिक जाएगी, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना है। तो फेल मतलब तो फीमेल रेल में जाना नहीं चाहिए, ठीक है, ये तो बेच दिया जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वीक हो जाएगा, बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके अलावा इसमें फेगाइल यूज कर सकते हैं, इसका मतलब भी क्या होता है, कमजोर ही होता है, और जो कमजोर नहीं है तो अनब्रेकेबल, ठीक है,
ठीक है, अनब्रेकेबल फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, तो फेल थ्री में वेल क्या करना, वीक हो जाना, बेगाइल, ठीक है, अनब्रेकेबल। नेव क्या है बच्चों, नेव मतलब जो नाव चलाते हैं ना, इसे ऐसे करना, नेव मतलब नाव, और जो नाव चलाते हैं वो लोग कैसे होते हैं, बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, सीधे साधे होते हैं, ठीक है, तो नेव मतलब ऑनेस्ट कह सकते हो, कैंडिड कह सकते हो, कैंडिड मतलब भी ऑनेस्ट होता है, ठीक है, और इसका जो है डिसऑनेस्ट हो सकता है, बस समझ में आ गई, ठीक है, और तो नेव मतलब क्या है, जो लोग सीधे साधे, ठीक है, नहीं सीधे साधे हैं, तो आप इसे सीधे साधे का मतलब ऑनेस्ट है, तो बच्चों ये डिसऑनेस्ट के साथ साथ आप यहाँ पे जादे के लिए इंटेलिजेंट भी लगा सकते हो, ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है ना बच्चों, या तो सीधे नहीं है तो क्या होंगे, डिसऑनेस्ट हो सकते हैं, या सीधे हैं तो बहुत ज्यादा तेज हो सकते हैं ऑपोजिट, ठीक है, और ग्रम्पी सुना होगा, तो ग्रम्पी मतलब गर्म पी पीना, कोई भी चीज क्या है, अभी भी हॉट है, और आप आए एकदम से पी गए तो कैसे हो, जल गए, चिड़चिड़े हो गए, क्या किसने जो है इतना उबाल दिया, ये होता है ना कि चाय किसने से मांगा उसने बिल्कुल उबाल कर दी, अबे हट, ऐसे नहीं पीते, तो ग्रम्पी मतलब था चिड़चिड़े हो जाना, ठीक है, तुनुक में जा, छोटी छोटी बातों पे चिड़ जाना, तो फास्टिडियस सुना होगा आपने, फास्टिडियस, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं, तुनुक मिजाज वाले बोलते हैं, ठीक है, ट्रंक्युलेंट बोला, ट्रक्यूलेंट, ठीक है, इसका मतलब भी होता है चिड़चिड़े या लड़ाकू होते हैं ना, और उसके बाद इसको आप शांत बोल सकते हैं, तो काम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कूल हो सकता है, ये सब जो चिड़चिड़े नहीं है, ठीक है, प्लीजेंट कर लीजिए, चीयरफुल कर लीजिए, आपकी इच्छा है, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है, इसके अलावा देखो एक्सटॉल क्या होता है, एक्सटॉल क्या होगा, एक्सटॉल का मतलब होता है, देखो एक्स मतलब एक्स्ट्रा, अधिक, टॉल का मतलब होता है टॉल, लंबा, तो कोई भी अधिक लंबा है तो लोग क्या कहते हैं कि वही लंबा है, एकदम स्मार्ट लगता है, बिल्कुल हट्टा कट्टा है, फिट है, तो एक्सटॉल का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, प्रेज या अपलॉड, प्रशंसा करना, बात समझ में आ गई, ठीक है, तो जब बच्चों कोई आदमी एक्स्ट्रा टॉल है तो क्या होगा, प्रशंसा होगी, और जो नहीं है तो उसकी क्या होती है, उसको दोषी बना देते हैं, उसको मतलब इंसल्ट करना होता है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा टॉल में ये तो मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, मुझे लगता है क्योंकि लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ठीक है, ठीक है, तो प्रेज या अपलॉड या जब प्रशंसा नहीं करनी तो कंडेम हो सकता है, ठीक है, कंडेम का मतलब होता है किसी को दोषी ठहरा देना, ठीक है, तो एक्स्ट्रा टॉल मतलब किसी को क्या करना, दोषी बना देना, ठीक है, या तो सॉरी एक्स्ट्रा टॉल मतलब प्रशंसा करना क्योंकि एक्स्ट्रा टॉल है, और नहीं है तो क्या है, किसी को दुश्मन बनाना, दोषी ठहरा देना, ठीक है, चलिए, ठीक है, जैसे कास्टिगेट है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, कास्टिगेट, कास्टिगेट मतलब इसको एक और लिख लीजिए चाहे तो, कंडेम्ड और डिनाउंस भी होता है, डी एन ओ यू एच, डिनाउंस मतलब होता है दिन में अनाउंस किया, तो कोई भी दिन में कोई चीज अनाउंस होती है तो क्या किया जाता है, उसको भी दूसरी बना देते हैं, एक्सटोल में एक और वर्ड लिख लीजिए डिनाउंस, ठीक है, और ऐसी कास्टिगेट कैसे याद करना है, कास्ट, कास्ट सिस्टम होता है ना, आई गेट की जगह हेट, कास्ट आई हेट मतलब कास्ट मुझे पसंद नहीं है, बात समझ में आएगी, कोई भी आके जातिवाद फैलाएगा तो क्या होगा, डांट खाएगा, मुझसे डांट खाएगा, तो कास्टिगेट मतलब कास्ट आई हेट, कास्ट पसंद नहीं है, जो बताएगा तो क्या खाएगा, डांट खाएगा, मतलब डांटने, कास्टिगेट मतलब होता है डांटना किसी को, विभक्त सुना होगा, ठीक है, या रेप्रिमेंड होता है, रेप्रिमेंड, ठीक है, रेप्रिमेंड मतलब भी किसी को डांटना ही होता है, और जब किसी को नहीं डांटते हैं तो मतलब उसे किसी चीज के लिए क्या देना, परमिशन देना, अप्रूव या परमिशन, ये इसके एंटोनियम्स हो सकते हैं, ठीक है, बात समझ में, बेमोन क्या होता है,
जैसे मान लीजिए हम किसी को फोन मिलाए और हमने फोन मिलाया, अब वो आदमी कहता है हाँ हम, तो इसका मतलब क्या है, बिना मन के बातचीत, ऐसे तो होता है। और जब हम किसी को फोन मिलाया और कोई बिना मन के बातचीत स्टार्ट किया हमसे, मतलब हम तो कुछ भी कहानी सुनाए वो आके हाँ, तो समझ जाना कि बिना मन के बात। तो बेमन मतलब होता है बेमन, अगर बिना मन के किसी ने बात किया तो क्या होगा, कंप्लेन किया जाएगा। तो बेमन मतलब होता है किसी का कंप्लेन करना, ठीक है, कंप्लेन, बात समझ में आ गई, किसी का कंप्लेन करने के लिए क्या होता है बेमन यूज होता है, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बेमन मतलब क्या होगा, किसी का कंप्लेन करना, और एक वर्ड होता है इसके लिए बेवल, बी वेल, बवाल मचाना, किसी ने बवाल मचाना, तो ये वर्ड याद कैसे करना, बवाल से, बे वेल को बवाल बोलना, बवाल मतलब किसी ने बवाल मचाया, दंगा मचाया, तो उसकी भी क्या होगी, कंप्लेन होगी, बात समझ में आ गई। अब कंप्लेन नहीं होगी तो बच्चों क्या, प्रशंसा करना, फिर तो आप एक्सटॉल भी लिख सकते हो प्रशंसा के लिए, तो एक्सटॉल हो गया, या आप प्रेज लिख सकते हो, ये तो कोई भी वर्ड लिख सकते हो, ठीक है। जब किसी की कंप्लेन नहीं करनी तो प्रशंसा करनी होगी, ठीक है। अब एक आता है पॉपर, पॉपर क्या आता है बच्चों, पॉपर मतलब होता है ऐसे समझिए कि जो लोग पापड़ बेचते हैं, तो वो लोग कैसे होते हैं, बिना पैसे वाले होते हैं, मतलब पॉपर का मतलब होता है गरीब, पुअर, ठीक है। तो पॉपड़ से पापड़ समझना, अब पापड़ क्या है, जो पापड़ बेचेगा कैसे होगा, पैसे वाला नहीं होगा तो गरीब होगा, ठीक है। डेस्टिट्यूट भी होता है, डेस्टिट्यूट मतलब भी क्या होता है, गरीब होता है, ठीक है। तो पॉपर का पुअर या डेस्टिट्यूट, और जो डेस्टिट्यूट है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, एंटोनियम्स, पैसे वाला, वेल्दी हो गया, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं वेल्दी या अफ्लुएंट, ठीक है, अफ्लुएंट मतलब क्या होता है, पैसे वाला होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हटा देता हूं क्योंकि लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही, ठीक है। तो यहां तक ये समझ में आ गया होगा, इसको हटा देता हूं लिखने के लिए, ठीक है। तो वेल्दी और अफ्लुएंट, ठीक है। एक होता है फियास्को, फियास्को क्या होता है अच्छा, फियास्को, फियास्को मतलब क्या होता है, इसे ऐसे समझना, फीस को, फियास्को मतलब फीस को, फीस होता है ना, ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, कॉलेज फीस, फियास्को मतलब जो लोग फीस नहीं देंगे टाइम पे वो क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे, फेलियर उनके हाथ क्या लगेगा, फेलियर हो जाएंगे, ठीक है, बात समझ में, असफल होंगे, ठीक है, ब्रेक डाउन कर सकते आप, बात समझ में आएगी। जो फीस टाइम पे देंगे तो वो क्या होगा, सफल होंगे, सक्सेस, उन्हें सक्सेस मिलेगी, ये अचीवमेंट, बात समझ में आ गई। तो जो फीस टाइम पे, फियास्को मतलब, फियास्को मतलब फीस को, जो फीस को टाइम पे देंगे, भाई जो फीस को टाइम पे देंगे मतलब डेली स्कूल जाएंगे तो क्या होगी, सक्सेस मिलेगी, अचीवमेंट मिलेगी। और जो फीस नहीं देते हैं, जो फीस नहीं देते उनको क्या होगा बच्चों, जब स्कूल ही नहीं जाएंगे, फीस जमा नहीं होगी, स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या होगा, फेलियर करेंगे, ब्रेक डाउन हाथ लगेगा, ठीक है। और आप लोग की फीस क्या है, आप लोग की फीस यही है कि आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसे पहुंचाओ वीडियोस को, ठीक है। एडजेक्टिव डाल चुका हूँ, टेंस पढ़ा चुका हूँ, प्रपोजिशन पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो लगभग कम्प्लीट ही पढ़ा है, तो यूट्यूब पे किसी ने ऐसा कुछ डाला भी नहीं है, तो आप लोग जो है दोस्तों तक पहुंचाओ अपने जितने भी हैं, यही आपकी फीस है, यही दक्षिणा है, ठीक है। तो समझ में आया तो ये काम करना है, ठीक है, नहीं आया तो कोई वाली बात ही नहीं है, जबरदस्ती है, ठीक है। तो बेनिविलेंट क्या है, बेनिविलेंट क्या होता है, बेनिविलेंट का मतलब होता है कि एक बाबा थे बेनी बाबा, बेनी बाबा, ठीक है। तो जो बाबा थे बहुत दयालु थे, तो बेनिविलेंट मतलब बेनी बाबा कैसे थे, बहुत ही ज्यादा दयालु थे, काइंड कह सकते हैं, ठीक है। या ऑल्ट्रस्ट सुना होगा आपने, ऑल टी आर यू आई एस टी, ठीक है, ऑल्ट्रस्ट मतलब भी क्या होते हैं, दयालु होते हैं, ठीक है। तो इसको ये हटा देता हूँ, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो दयालु थे तो ऑल्ट्रस्ट है, इसके अलावा आप इसे ठीक है, और दयालु नहीं है तो आप मैलिशियस बोल सकते हैं, मैलिशियस,
ठीक है, या स्पाइटफुल होता है, स्पिटफुल। ठीक है, स्पिटफुल का मतलब क्या होता है कि जो लोग कहते ना कि दया भाव नहीं रखते, ठीक है, गंदे लोगों के लिए ये यूज होता है मेलेसियस और स्पिटफुल। ठीक है, और जो दयालु है वो काइंड है, अल्टस्ट होता है। डिफाइल, डिफाइल क्या होता है, देश की फाइल। डिफाइल मतलब डी देश की फाइल, और देश की फाइल जो है वो कैसी है, बहुत ही गंदी है, कहीं भी विकास नहीं है। तो डिफाइल मतलब होता है बहुत ही गंदा होना, ठीक है, डर्टी यूज होता है इसी में, ठीक है, डर्टी या डिबेस कह सकते हैं। ठीक है, और जो डर्टी नहीं है, गंदा नहीं है, तो आप इसे कह सकते हैं कि वो कैसा होगा, सम्मानजनक होगा। तो स्टीम यूज होता है यहाँ पे, ई एस टी, स्टीम। ठीक है, तो स्टीम क्या होता है, स्टीम होता है जो क्या होते हैं, सम्मानजनक होते हैं। ठीक है, इसी में आप लिख सकते हैं ये हटाई दूं यहाँ पे लिखने के लिए, थोड़ा सा नीचे हो जाता है ना तो दिक्कतें जो है आने लगती है। ठीक है, अपग्रेड लिख सकते हैं, अपग्रेड होना। ठीक है, तो डिफाइल मतलब या तो स्टीम शानदार है, सम्मानजनक है, नहीं तो क्या है, अपग्रेड है, डर्टी नहीं है। बात समझ में आ गई, देखिए एक बार तेजी से देख लेते हैं कैसे कैसे याद किया, ये तो बता ही दिया था। ठीक है, ट्रेन कूल से बताना, ट्रेन में कूली चढ़ा तो क्या हो गया, लोग शांत हो गए। बेली क्लोज, बिल्ली क्लोज आई तो झगड़ा स्टार्ट हो गया। फेल प्रीमियर रेल तो क्या हुआ, वीक हो गए। नेव, नाव चलाने वाले कैसे होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। ठीक है, ग्रंथी, ग्रम किसी ने कोई चीज पी ली तो क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ा जाएगा। ठीक है, चिड़चिड़ा मतलब क्या है, फास्टी डेस होना, तुनिक मिजाज होना। ठीक है, एक्सटॉल, एक्स्ट्रा टॉल है तो प्रशंसा होगी। ठीक है, कास्टिगेट, कास्ट आई है, किसी ने कास्ट सिस्टम बताया तो क्या हो गया, क्या हो गया, मैं जो है डांटूंगा उसे। ठीक है, बेमन, बेमन के किसी ने बात किया तो क्या होगा बच्चों, कंप्लेन हो जाना। ठीक है, पॉपर, पापड़ जो बेचता है क्या होगा, वो वीक होगा, वीक क्या होगा, सॉरी पुअर होगा, या क्या हो सकता है, डेस्टिट्यूट हो सकता है। ठीक है, फियास्को, फीस को जो देगा वो सफल होगा, जो नहीं देगा वो असफल होगा। बेनिवलेंट, बेनी बाबा कैसे थे, दयालु थे। ठीक है, डिफाइल, देश की फाइल कैसे थी, गंदी थी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सब वर्ड आपको याद हो गए होंगे। लगभग कितने वर्ड है ये, 10 और 20, 21 वर्ड्स हैं, और एक से हमने 5 बनाए तो 21 पंजे 105 वर्ड, लगभग जो है 20 मिनट में आपने 105 वर्ड जो है, 100 वर्ड मिनिमम आपने याद किए। ठीक है, आप इसे वन टाइम लेके लिखना, आप देखेंगे कि 20 से 25 मिनट में आपके 100 वर्ड ऐसे हो गए बिल्कुल फिक्स। लेकिन इन्हें लिखना, जब आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ये सब जितने वर्ड है ऑटोमेटिक सब आपको याद आ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, इसी को हम कंटिन्यू बनाएंगे, और लगभग जो है